हेलो गाइस, ये बेसिकली मैं आपको बताऊंगा आज इंट्रो हमारी वीडियो में नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन वीडियो गाइस। मैंने कल बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। कल देख सकते थे आप, एक वीडियो अपलोड हुआ था, वो वीडियो बहुत पहले का था, ठीक है। वो वीडियो परसों का था, परसों। और उसके बाद में मैंने बहुत रिसर्च की, आपके लिए एक वीडियो बनानी है गाइस। होता क्या है, यूट्यूब पे सब लोग आपको बताते हैं कि मेरी जैसी सेंसिटिविटी कर लो, मेरे जैसा ये कर लो, मेरे जैसा वो कर लो, ऐसा कस्टम एचयूडी रख लो। और बहुत सारे लोग मान लेते हैं कि वो वैसे करेंगे तो हम कभी वो बोलेंगे, कभी आपने वीडियो देख लिया राइ स्टार का, कभी देख लिया अज्जू भाई का, कभी देख लिया ज्ञान का, कभी आपने देख लिया किसी पागल M10 का, बोलते हैं। तो आपने किसी का भी वीडियो देख लिया तो उनकी जैसी सेंसिटिविटी करने से आप में कोई भी फर्क नहीं मिलेगा, आपको कोई भी बदलाव नहीं आएगा। मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि बात छुपाने का मतलब नहीं है गाइस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका फ़ोन कंपैटिबल है या नहीं। गाइस वो लोग पीसी में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्लिप्स अलग अलग बनाते हैं, और आपको मैं बता दूँ कि पीसी में हेडशॉट रेट बहुत ज़्यादा होता है मोबाइल प्लेयर के बीच में। पीसी में हेडशॉट रेट बहुत ज़्यादा लगता है, मोबाइल प्लेयर में मोबाइल में जो खेल रहे हैं उनमें ज़्यादा हेडशॉट नहीं लगते। समझ में आया आपको बात? तो हम क्या करेंगे, आपकी सेंसिटिविटी आपको खुद ही बनानी। आपका फ़ोन जो बेसिकली अभी 2 GB का है, 3 GB होगा, 4 5 ये 6 अपना 8 12, अभी उसके ऊपर तो नहीं आया लेकिन उसके ऊपर भी आ जाएगी आपका डिवाइस। इसका आपके डिवाइस में प्रोसेसर अलग है, प्रोसेसर अलग अलग होते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैं एक गेम, ये क्लिप है एक, तो अभी इसमें मैं ऐसे ही रुकाऊँ। आपको अपनी सेंसिटिविटी खुद को ही बनानी है। पहले आता है जर्नल, जर्नल को आपने क्या करना है, पहले जर्नल आपका फ़ोन अगर 2 से 6 GB के बीच का है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको अपने जर्नल में 80-85% करना है। और आपको ना अपने जर्नल में मूवमेंट करके देखनी है, मतलब स्क्रीन घुमानी है, ये देखिए अभी थोड़ी थोड़ी स्क्रीन घूम रही है ना इधर उधर, तो वैसे कैरेक्टर का फेस इधर उधर हिलाना, तो आप देखेंगे अगर आपका कैरेक्टर का फेस, अभी आपको क्लिप में दिखाई पड़ेगा, मैं फिर बाद में बताऊंगा आपको कैरेक्टर का फेस कभी कैसे लगा, तब वापस से रिकॉल करेंगे हम, ओके। तो अभी आपको वैसे ही करना है, कैसे आप आपके फ़ोन के लिए सेंसिटिविटी आप ही बनाएंगे गाइस, किसी और का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, आपका भाई अभी भी आपके लिए वीडियो बनाता रहेगा। और प्लीज़ गाइस आपका मन है गाइस, मैं कोई आपको नहीं है फोर्स आउट नहीं करूँगा कि सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दो, आपकी मर्जी है गाइस। लेकिन ये आपके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक मार दीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी चाहिए होंगे तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, आपकी मर्जी है गाइस, हम कोई फोर्स आउट नहीं करेंगे, ओके ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं बात, आप देख सकते हैं मेरे भी पावरफुल बहुत ज़्यादा हेडशॉट नहीं लगते। आपको गाइस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। ये 495 का हेडशॉट लगा, ये देखिए M1887 का मैंने मारा। गाइस मैं नहीं बताता हूँ कि मैं प्रो प्लेयर हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना ही होगा। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है और अपनी सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मेन रोल है आपके जो हेडशॉट लगते हैं, ड्रैग हेडशॉट, रोटेशन हेडशॉट, कैसा भी हेडशॉट हो वो आपके सेंसिटिविटी की वजह से लगते हैं। सेंसिटिविटी जिसके फोन में अच्छी है उसका हेडशॉट ज़्यादा लगता है गाइस, ये हमें पहले से बात हमें पता है। आपको अपनी फ़ोन की सेंसिटिविटी खुद ही बनाना है। अभी आपका फ़ोन हम बता रहे थे कि 2 से 6 GB के बीच में का है आपका फ़ोन, तो आपको एक काम करना है, 2 से 6 GB के बीच के रैम वाले फ़ोन वाले प्लेयर्स आपको सिर्फ 85 रखना है, 80 भी मत रखिए, 85 90 रखिए। और आपको ना अपनी स्क्रीन मूवमेंट करनी है,
अगर आपको लिए वो स्क्रीन बेस्ट है मोमेंट, ये देखिए अभी ये क्लिप में मैं कर रहा हूँ, देखिए देख सकते हैं। यहाँ पे आना है, बीच में यहाँ पे रखना है आपको जो आपका रेड डॉट है, और आपको स्क्रीन घुमानी है अपनी राइट साइड पे, सीधे सीधे गाइज राइट साइड पे घुमानी है, लेफ्ट साइड पे नहीं, सेंसिटिव पार्ट राइट साइड पे होता है। तो आपको ये डेढ़ से अढ़ाई राउंड के बीच में आना चाहिए आपका जो भी है वो, और बाकी गाइज आपका 2x स्कोप हो गया, 4x हो गया, और स्नाइपर हो गया, फ्री लुक हो गया, इससे कोई हेडशॉट का फर्क नहीं पड़ेगा गाइज आपको। अगर आप स्कोप इन और आउट करके मारते, स्कोप इन करके आप ड्रैग वगैरह करते हैं, तो आप उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर हम दिखाएंगे कि 2x स्कोप में कैसे हम ड्रैग करेंगे, 4x स्कोप में ड्रैग करते हुए हेडशॉट कैसे लगता है, क्या सेंसिटिविटी होगी। लेकिन अभी इसका विदाउट स्कोप की, जैसे कि डेजर्ट हो गया, M500 हो गया, M1887 हो गया, M1014 हो गया, Mag 7 हो गया गाइस, ये आपको वन टैप मारना है। ये देखिए गाइस अभी लगा, ये ऐसे गाइस प्रैक्टिस करनी होगी आपको बहुत ज़्यादा, और फिर आपका वन टैप भी लगना चालू होगा। ओके गाइस, तो इतनी सी बात है, हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, क्यों आपके लिए वीडियो बनाना हमें बहुत अच्छा लगता है गाइस। लेकिन अगर आपको ये प्लीज़, अभी मेरा चैनल थोड़ा डाउनग्रेडेड में चल तो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आपका सपोर्ट जैसे मिलेगा वैसे हम चैनल अपना अपग्रेड करेंगे। तो आपका सपोर्ट सिर्फ चाहिए गाइस, वीडियो अच्छा लगा है आपको और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मुझे पता है वर्ल्ड में आप ढूंढते होंगे कोई प्रो प्लेयर हमें ले लेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं ना, आपका एक बार कपड़े देख के निकाल देते हैं, आपका रैंक नहीं पूछो पाता, सामने वाले प्लेयर्स आपको वन टैप दे के चले जाते हैं, पहले वो M500 लेते हैं और वन टैप मार देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है, हम आगे भी इसके बारे में बात करते रहेंगे। ओके गाइज, बाय बाय, अभी वीडियो खत्म।